हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सी टेट व अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुद्धि के सिद्धांत व उनके प्रतिपादक। इस वीडियो में हमने यूपी टेट व सी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किया है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के एक खंड के सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक विनय टर्मन व स्टर्न ने किया। इन्होंने बुद्धि को एक खंड एवं अविभाज्य इकाई माना है। इसका प्रतिपादन उन्होंने सन 1905 में किया। बुद्धि के द्विखंड के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि को जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं तथा विशिष्ट बुद्धि को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसी कारण इस बुद्धि के सिद्धांत को जीएस थ्योरी भी कहते हैं। बुद्धि के त्रिखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया। द्विखंड के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पश्चात उन्होंने बुद्धि का एक और खंड बताया, जिसे सामूहिक खंड नाम दिया गया। इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया गया जो समान योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से निम्न थीं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी कहते हैं, यानी एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने किया। पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन फिलिप वर्नर ने किया। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि में सामान्य कारक, मुख्य कारक, लघु कारक व विशिष्ट कारक पाए जाते हैं। बुद्धि के 3D मॉडल यानी त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड ने किया। इसी को बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि के तरल व ठोस सिद्धांत का प्रतिपादन आरवी कैटल ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बुद्धि के बहुबुद्धि या मन के फ्रेम का सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने किया, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया। इसके अंतर्गत इन्होंने विकास की चार स्थितियां यानी चार चरण बताए हैं, संवेदी प्रेरक काल, प्राग संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल और औपचारिक संक्रिया काल। संवेदी प्रेरक काल जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक रहता है। प्राग संक्रिया काल 2 साल से लेकर 7 साल की अवस्था तक रहता है। मूर्त संक्रिया काल 7 साल से लेकर 11 साल की अवस्था तक तथा औपचारिक संक्रिया काल 11 वर्ष की अवस्था के बाद तक रहता है। और ये सभी जो चार चरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ इनका जो आयु का ग्राफ है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने किया तथा त्रिस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन बी कैरोल ने किया। इसके अंतर्गत उन्होंने प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर व उच्च स्तर की बात की है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।